कल सावन महीने की अंतिम सोमवारी भी है और सावन महीने का अंतिम दिन भी। एक साथ दोनों अवसर के मिल जाने से मनिहारी गंगा घाट और काढ़ागोला गंगा घाट दोनों जगह कांवरियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहां कांवरियों का सैलाब सा उमड़ आया है। हर बार की तरह इस बार भी मनिहारी गंगा घाट पर तो भव्य श्रावणी मेले का भी आयोजन किया गया है। आप इस मेले को देखिए, हजारों हजार की भीड़ है। पूरा मनिहारी गंगा घाट मानो श्रद्धालुओं से पट गया है। चाट पकौड़ों की दुकानों से लेकर तरह तरह के झूले, सब कुछ है यहाँ। खरीदारी के लिए दुकानें भी हैं और नहाने के लिए गंगा घाट भी। दूर दराज के क्षेत्रों से आए लाखों लोग यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। घर कचरा ना फैलाए, गंगा नदी को नारा से मनियारी कूद रहा है और पोल पंप के सेवा में जो लगे हुए हैं, आइए हम उससे बात करने का प्रयास करेंगे कि कितने संख्या में पोल पंप आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं अपने कावर में, जल भर में, अपने शिवालयों में। जो है व्यक्ति बोलबम गए जल उठाकर, और आज हम समथिंग लग रहा है कि 10 के लगभग पहुंच जाएंगे। जो है पूरा लाइटिंग की व्यवस्था है, खीर का व्यवस्था है, और शरबत पानी का जो है हम लोग का व्यवस्था है, और हर एक जगह हमारा बोलबम सेवा समिति के जो है सदस्यगण हर जगह तैनात हैं कि बोलबम वासी जो आए हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। गंगा स्नान के बाद सभी श्रद्धालु अपने कांवर में गंगा जल भरकर अपने अपने गांव की ओर रवाना होंगे। रात भर पैदल चलेंगे और सुबह शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। पूरे रास्ते कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा निशुल्क सेवा शिविर भी लगाए गए हैं, ताकि इन कांवरियों को पूरे रास्ते किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम लोग अभी 5 साल से कर रहे हैं, कंटिन्यू 5 साल से हम लोग कहते रहते हैं, और हम लोग हर बार चाहते हैं कमैया हमें जितने भी हो उनकी सेवा में हम लोग अनिटम लगे हुए रहते हैं। और हम लोग सभी लोग जितने हम लोग मेंबर हैं और जितने हम समाज के लोग हैं उन लोग के भी सब सहयोग रहते हैं, और सबसे मिला जुला के हम लोग अपने करते हैं पूजा, और सभी लोग के लिए एक मानने की मानते हैं कि चलो पूजा एक तो हो जाएगी तो सभी को एक शांति भी मिलती है, और इसी सामने से हम लोग पूजा करते हैं। लगातार 5 वर्षों से शरीफगंज बोलबम सेवा समिति के सौजन्य से तमाम समिति के कमेटी के सदस्यजनों के अपार सहयोग से सावन के अंतिम सोमवारी के दिन
कांवड़ियों को मनिहारी से जो जल लेके आते हैं उनको सेवा देने का काम, फल सेब केला अंगूर शरबत ऐसे कई प्रकार के व्यवस्था देकर सेवा देने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही पुण्य का काम है। साथ साथ आज शरीफगंज बोलबम सेवा समिति के सौजन्य से रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया, कांवड़ियों को और उत्साहवर्धन करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है, जो कि अति महत्व मैंने सौभाग्य की बात है कि सेवा करने का मौका बोलबम सेवा समिति शरीफगंज वार्ड नंबर 41 की जनता समाज को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार की उदामा रेखा में। आज सुबह से ही कटिहार मनिहारी मुख्य मार्ग पर हजारों और लाखों की संख्या में लोग मनिहारी जा रहे हैं। आज मानो ये सड़क पूरी तरह केसरिया रंग में रंग गया हो। इसको लेकर कई स्थानों पर सेवा शिविर का भी आयोजन किया गया है, जैसा कि अभी आपने देखा हवाई अड्डा में, उसके बाद शरीफगंज में दो स्थलों में, और अभी हम मौजूद हैं उदामा रेखा में। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ से जो मनिहारी से लौटते हैं वो इसी रास्ते से अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। यहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की जाती है, हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, हर एक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ये पिछले 16 सालों से यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। हालांकि कमेटी का कहना है कि ये तो बाबा की कृपा है, जब तक कृपा रहेगी तब तक इस तरह का आयोजन होता रहेगा। भैया पूछिए सबसे थोड़ा सब्जी। हाँ लीजिए भाई। आइए जो कमेटी के जो संचालक है जो इस तरह का आयोजन करते हैं हम उनसे जानते हैं कि ये क्या इस तरह का उद्देश्य और किस तरह की उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है। इस पूरे आयोजक के संचालक जमियत अल मेघानी जी हमारे साथ हैं। पिछले 16 सालों से इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या इनका सोच, आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी, इस बार कम्युनिटी को 16 सालों से आप इस तरह की सेवा दे रहे हैं, इस बार क्या व्यवस्था की है? सेवा मेरे द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये है गुरु कृपा से, जो भी है ईश्वर के द्वारा ही वो संचालन हो रहा है। सिर्फ नामित एक के रूप में ईश्वर की कृपा हुई है, बाकी जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये उनके ही द्वारा किया जा रहा है, वो कराने वाले वही हैं, कर भी वही रहे हैं। और हम लोग जो हैं सिर्फ सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम में कांवरियों की सेवा में सब जुड़े हुए हैं, और जो भी व्यवस्था है वो कांवरियों की जो बेसिक आवश्यकता है, जो जरूरत है वो प्रदत्त किया जा रहा है। कोई विशेष रूप से ऐसी कुछ नहीं है, जो भी है उनकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जो लगता है वो जोड़ा जाता है, उनको जो है जितनी सेवा दी जा सकती है प्रयासरत रहते हैं। पिछले 2-3 साल से खाद व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था ये सब उनका दिया हुआ है, उसी के माध्यम से ये सब चल रहा है और उन्हीं की कृपा से ये सब व्यवस्था निरंतर जो है बन रही है। बम लोगों का, कंवरियों का जो बेसिक जरूरत है समय पर वो प्राप्त होते रहता है। उनका समाज के बिना हम लोग अधूरा हैं, और समाज का पूरा सहयोग है, और समाज इसमें बहुत ही तन मन से जुड़े हुए हैं और अपने निष्ठा भाव से, और बम की सेवा में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब बहुत ही तन मनिया से लगे हुए हैं। क्या आगे भी इस तरह की सेवा करते रहेंगे? ये निरंतर उनकी कृपा जब है वो मालिक जब तक चलाते रहेंगे, वो उनके द्वारा ही प्रदत्त है, वो जब चाहें जैसी चाहें उसकी इच्छा है, और वो अपना जब तक सेवा देंगे उनका सदैव इस पथ पर कांवरियों का बम का सेवा निरंतर चलता रहेगा।
तो ये थे जमीयत अल मेघानी जी, इनका कहना है कि जब तक बाबा की कृपा रही तब तक ये सेवा करते रहेंगे। पिछले 16 सालों से इनके द्वारा और यहाँ के समाज जो उदामा रेखा के वासी हैं इनके द्वारा काफी सहयोग रहता है। लगभग 10 से 12 हजार से भी अधिक लोगों की यहाँ पर सेवा मिलती है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर भोजन, शौचालय और रहने की भी व्यवस्था की जाती है। इससे कांवड़ियों को काफी फायदा मिलता है। मैं गुड्डू से केबीसी न्यूज के लिए। इधर काढ़ागोला गंगा घाट पर भी हजारों की संख्या में कांवड़िए गंगा स्नान कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां भी कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते हुए अपनी अपनी कांवर में गंगा जल भरकर शिव मंदिर की ओर रवाना होंगे और सुबह गांव पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ये साफ देखा जा सकता है कि पूरा कटिहार जिला शिव की भक्ति में डूबा हुआ है।